अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल हैदर महा आसिफ। तो आज हम आपको एस पी के वाइटनिंग टोनर का रिव्यू देने वाले हैं, जो कि बहुत अच्छा टोनर है। अगर हम इसको अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हमारी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, सॉफ्ट सी। तो इसको मैं तो आज हम आपका एस पी के वाइटनिंग टोनर का रिव्यू देने वाले हैं। तो इसके अंदर है, अगर हम इसको डेली रूटीन में भी एज ए क्लिंजर यूज़ कर सकते हैं और हम इसको फेशियल के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको फेशियल में भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारी स्किन के अंदर बहुत अच्छा जाके इफेक्ट देता है। और अगर हमारे ओपन पोर्ट्स हो तो हम इसको यूज़ अप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैं आपको बता दी थी कि अगर हमारे ओपन पोर्ट्स हो तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं और ये जल्दी ओपन पोर्ट्स को रिकवर हो जाता है। और हम इसको हर स्किन टाइप के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर ऑल स्किन टाइप्स फातिमा बेबी नो। ये बहुत अफोर्डेबल है। हम इसको मैंने इसको तो पूरे फेशियल पैक के साथ बाय किया था और मुझे बहुत अफोर्डेबल मिला था। और हम इसको चाहे तो बहुत ज़्यादा है, इसके पैक्स भी आते हैं दूसरे, तो हम वो भी ले सकते हैं। तो हम इसको वो भी उसमें भी बाय कर सकते हैं। और ये इसके साथ एक ये ड्रॉप्स भी आते हैं वाले ड्रॉप्स है। तो मैं आपको ये अपनी स्किन के ऊपर अप्लाई करके दिखाती हूँ। फातिमा बेबी फातिमा नो बेबी। तो इसके हमारी स्किन एक ब्लूबेरी टाइप सी हो जाती है, जैसे ब्लूबेरी। सो गाइस मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।